हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट आए हुए हैं उनके रिश्तेदार और परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उस वजह से बहुत ज़्यादा चिंता में। मेरे पास ईमेल, फोन्स और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक पेज पर, तो उनका मैं आगे थोड़ा सा एक खुशखबरी बताने वाला हूँ। इससे पहले आप एरियल व्यू देख सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर सिंह जी सुक्खू, उन्होंने यहाँ बाढ़ राहत के बाद ये टेस्ट फुटेज है और सर्वे किया, और मनाली और कुल्लू का जो हेलीपैड है वो भी नष्ट हो चुका है, वहाँ नहीं उतर सके और उतरे हैं सेंज के अंदर, जहाँ भी 40 के करीब दुकानें बह चुकी है, और ये लेटेस्ट वीडियो है उन्हीं के पेज से लिया गया है। और कुल्लू मनाली के अंदर नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, इस वजह से संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। यदि आप उनका कुशल क्षेम जानना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा हिमाचल प्रदेश पुलिस या कुल्लू पुलिस या शिमला पुलिस, लाहौल स्पीति पुलिस, जहां भी आपके परिजन हिमाचल में गए हैं वहां आगे पुलिस लगाकर सर्च कीजिएगा। वहां लिस्ट डाली गई है, उस लिस्ट के अंदर आपके परिजन का नाम होगा। यदि नाम नहीं है तो भी घबराने की बात नहीं है, जो पुलिस के कॉन्टेक्ट में आ गए उनका नाम आ गया है, जिनके होटल दूर हैं उनका नाम नहीं आया है, और फ़ोन नंबर भी पुलिस के दिए गए हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके परिजन सुरक्षित है, कोई ऐसी कोई अनहोनी नहीं है। हमारे टीम मेंबर भी संपर्क में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। वहाँ की यात्रा मुख्यमंत्री महोदय करके आए हैं, उनको आप सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, पूरी डिटेल से आगे जानकारी उनके मुख से सुनिएगा। दूरसंचार की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, बिजली की व्यवस्था पूरे सहज गाँव में पूरी तरह चरमरा गई है, पानी की व्यवस्था चरमरा गई है। मणिकरण वाले रोड को और कसोल वाले रोड को मैं खुद देख रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि आज शाम तक हम वहाँ से, और जो मनाली कुल्लू रोड है उसको भी हम जल्दी ही आज शाम से रात से इवैक्यूएशन स्टार्ट कर देंगे, और जो सुंदरनगर मंडी रोड है, मंडी से कुल्लू वाला रोड है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसका एक अल्टरनेट रूट से हम यातायात और आवाजाही को, परिवहन को ठीक दृष्टि से कि आवाजाही ठीक हो, उस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। इस बाढ़ में बहुत कहर बरसाया है, 50 वर्ष के बाद इस प्रकार की बारिश देखने को मिली है। हमारा जीवन काल भी इससे ज़्यादा वर्ष का हुआ है और हमने 50 वर्ष पहले सुना था कि बादल फटते हैं, ये होता है, लेकिन इस बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी ज़िलों में तबाही मचाई है। पंजाब के साथ लगते जो इलाके हैं जैसे कि ऊना है, वहाँ पुल को बहुत बड़ी नुकसान पहुँचा है। बद्दी का एक पुल जो चंडीगढ़ के साथ